कोई भी बाइक टू व्हीलर में टाइमिंग चेन रजिस्टर होता है, उसमें टाइमिंग चेन अक्सर ढीला हो जाता है तो आवाज आता है, उसका साउंड अलग साइड आता है, चिड़चिड़ जाता है साउंड। तो उसको क्या करना चाहिए, जो टाइमिंग चेन रजिस्टर होता है उसमें से 13 नंबर का एक नट अगर लगा के होल्डिंग करेंगे तो टाइमिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और उसमें कैसे, उसमें ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं आता है। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ और वीडियो आप लोग को मैं बताऊँ। उस वीडियो में देखो मैंने कैसे उसको वेल्डिंग करके मैंने लगाया हूँ। अभी ये देखिए मैं ये वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। ये डिस्कवर है, डिस्कवर में जो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन में साउंड आ रहा है और इसका आपको पहले बता दे रहा हूँ। टाइमिंग चेन में इसलिए साउंड आएगी, जो टाइमिंग चेन होता है इसके अंदर होता है पूरा, ये भी कवर खोलना पड़ता है, ये ऊपर का टॉप खोलना पड़ता है तो टाइमिंग चेन डाल सकते हैं। अभी इसमें टाइमिंग चेन हमको नहीं डालना है तो क्या करना चाहिए, ये जो होता है टाइमिंग चेन के एडजस्टर बोलते हैं इसको, इसको खोल के और इसके अंदर एक नट होल्डिंग किया जाता है। पहले सबसे पहले आपको मैं इसका साउंड सुना दे रहा हूँ, आपके समझ में आएगा आवाज़ कैसे आता है। अभी देखो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ गाड़ी को। जो साउंड आ रहा है ये टाइमिंग चेन का था साउंड। और अभी मैं इसको खोलने जा रहा हूँ मैं, ये देखिए चेक करना है तो इसको पहले खोलने का। अब खोलने के बाद इसको अगर ऐसे लगाएंगे देखो ये पूरा परफेक्ट दब रहा है तो समझ लेना ये टाइमिंग चेन खराब हो चुका हुआ है। तो इसमें जो देखो ये जो रजिस्टर है इसमें क्या करना चाहिए, ये इसके ऊपर एक जो है मैं 13 नंबर का नट में ऐसे वेल्डिंग मारूंगा तो इसका जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस और थोड़ा ये बढ़ जाता है और इसमें टाइमिंग चेन फिर चलेगा। अगर फिर नेक्स्ट टाइम में अगर टाइमिंग चेन आपको बदली करना है तो टाइमिंग चेन और ये जो एडजस्टर है ये भी बदली करना पड़ेगा क्योंकि फिर लगे। अभी देखिए इसमें जो है इससे मैं देखो नट मैंने होल्डिंग करा हूँ 13 नंबर का, अगर इसको ऐसे लगाने जाएंगे इसमें देखो ऐसे नहीं लगेगा ये, थोड़ा इसको क्या करना चाहिए स्क्रू ड्राइवर से, ये देखिए स्क्रू ड्राइवर से करेंगे देखो अंदर आता है पूरा ये करने के बाद इसको ऐसे लगा देना चाहिए। देखो अभी लग जा रहा बराबर। अभी इसमें 2 बोल्ट आता है 10 नंबर का, ये दोनों बोल्ट टाइट कर देना चाहिए। ये देखिए ये बोल्ट लग गया हुआ, टाइट भी हो जा रहा है दोनों बोल्ट। ये दोनों बोल्ट टाइट हो गया तो इसको स्क्रू ड्राइवर से लेके अंदर से अभी देखो इसको मैं पूरा लगा दिया, उसको सेटिंग कर दिया। अभी देखो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखो अभी इसका पहले साउंड मेरा टिक 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 करके अभी देखो आवाज नहीं आ रहा बराबर, परफेक्ट काम हो गया।